ठीक है उससे आपको आइडिया रहता है स्ट्रक्चरिंग का क्योंकि यूजअली ऑप्शन में क्या होता है दे डोंट हैव मच चॉइस वो कितना ही आपको नया कॉन्सेप्ट दे, दे देंगे एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वही आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बनता है तो अगर आपको प्रीवियस सारे ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं टॉपिक से अगर उनकी स्ट्रक्चरिंग आपको पता हो कि हमें कैसे स्ट्रक्चर करना है तो आप ये नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब भी आप मेन्स लिखेंगे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ठीक है तो इस सीरीज में मैं आपको आपके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर देन आई गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन वो आप सॉल्व करके मुझे भेजते हो देन आई एवेलुएट एंड मेल बैक द आंसर उससे आपको आइडिया रहता है कि आपको किन एरियाज में इंप्रूवमेंट लानी है फाइन तो जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आप समझ जाओ कि आपको इनमें क्या कंटेंट लिखना है एंड कैसे अप्रोच करना ये काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस रेपिटेटिवली यूपीएससी आपसे पूछती है The question is: Marx laid out a radical view of society, but his theories lacked a pragmatic outlook.

तो कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन ठीक है तो आपको क्या करना है यू डोंट हैव टू रश कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ा और आंसर लिखना शुरू कर दोगे एटलीस्ट कुछ सेकेंड्स कुछ मोमेंट दो चार रीडिंग्स आपको क्वेश्चन को देनी ही होंगी

तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कार्ल मार्क्स जो है ही लेड आउट अ अ रेडिकल व्यू ऑफ सोसाइटी बट हिज लैक्ड आउटलुक आपको कमेंट करना है इन द वेक ऑफ ऑफ फेलिंग्स कम्युनिज्म अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि कार्ल मार्क्स ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कम्युनिज्म का तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है एंड आपका एक पॉलिटिकल सेटअप जो कम्युनिज्म के अराउंड बिल्ट होना चाहिए कार्ल मार्क्स ने कहा कार्ल मार्क्स ने ये इसलिए कहा बिकॉज ही वॉज अ स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है उनको लगता था Once communism will be established, we will have a classless society, and finally, capitalism mode. Me, when we a revolution occur. All the controls from the private individuals, private authorities, it will be snatched, and the control will come into the hands of state. And slowly, what will happen? The state power, the state will also wither away. State power will be and your workers will wither away. एंड जो आपके वर्कर्स हैं उनके पास सारा कंट्रोल चला जाएगा सोसाइटी का एंड देन वील कम इन टू अटी जिसको हम बोलेंगे एडवांस्ड कम्युनिज्म और उस एडवांस कम्युनिज्म में क्या होगा अगेन एक क्लासलेस सोसाइटी सोसाइटीब्लिश हो जाएगी ये मार्क्स का मानना था अब क्वेश्चनर आपसे पूछ रहा है कि उनकी देखो आपको तीन चीजों का इसमें ध्यान रखना है पहले कि आपको क्वेश्चनर ने पूछा है कि कार्ल मार्क्स का एक रेडिकल व्यू था सोसाइटी का रेडिकल व्यू ठीक है सेकेंड आपको इसके क्रिटिसिज्म में लिखना है कि रेडिकल व्यू तो मार्क्स का था लेकिन दैट वाज नॉट प्रेगमेटिक वो प्रैक्टिकल नहीं था वैसी चीजें नहीं हुई जैसी मार्क्स ने अज्यूम करी थी

जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वहां से किसी बुक का नाम पता है किसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का नाम पता है कोई एक कीवर्ड पता है जो उन्होंने दिया होगा कोई एक कॉन्सेप्ट दिया होगा किसी थिंकर ने अगर वो चीज आपको पता है यू विल स्टार्ट विद दैट अब यहाँ पे आप की से आंसर अपना बनाओगे की यू आर आस्ट अबाउट द रेडिकल ही लेड आउट रेडिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी ठीक है पहले आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस लेकिन आपको बताती हूँ रेडिकल हम किसको बोलते हैं समवन हु एडवोकेट्स एक कंप्लीट सोशल या पॉलिटिकल चेंज के अगर किसी के एक्सट्रीम रेडिकल व्यूज होंगे दैट मींस वो इंसान जो है वो एडवोकेट कर रहा है कि हाँ एक कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम होने वाला है तो उसकी रेडिकल आइडियोलॉजी है जैसे आप करंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते एंड यू थिंक कि ये जो है एक टाइम पे ये सारा पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो जाएगा हम डेमोक्रेसी से कम्युनिस्ट कम्युनिज्म में आ जाएंगे या आपका कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सेटअप हो जाएगा दैट मींस यू होल्ड अ रेडिकल व्यू अब ये हमें पता है कार्ल मार्क्स का रेडिकल व्यू था क्योंकि उन्होंने कहा था एक रेवोल्यूशन आएगा कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा ठीक है एंड द कंट्रोल फ्रॉम कैपिटलिस्ट विल कम इनटू द हैंड्स ऑफ द स्टेट एंड स्टेट विल स्टेटो विथ रवे एंड द कंट्रोल विल बी इन द हैंड्स ऑफ Uh, or the in the of Karl Marx. And सारी सिस्टम्स हो जाएंगे तो आपका कंप्लीट पॉलिटिकल एंड सोशल की कलमार्क जो है रेडिकल व्यू ठीक है तो आप यू कैन मेक यूर इंट्रोडक्शन लाइक दिस आप अपना आंसर ऐसे इंट्रोड्यूस ही कर सकते हो कि मार्क्स आइडिया जो है वर Seen as a direct threat to the existing political economic system. शन होगा आपके आंसर का ठीक है पहले आप ये चीज अग्री कर रहे हो कि हाँ वो रेडिकल आइडियोलॉजी थी यूर राइटिंग थ्री फोर लाइन की वाई हिज आइडियोलॉजी वॉज कंसिडर्ड रेडिकल फिर लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन अब देखो ये क्वेश्चन का बेस्ट आंसर लिखने का तरीका क्या है आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ही लेड आउट अ रेडिकल व्यू बट हिज थियरी लैक्ड अ प्रैग्मेटिक आउटलुक तो व्हाट विल यू डू जो मैं आपको ये मेथड हमेशा बोलती हूँ कि इट इज अ वेरी गुड मेथड यू विल ड्रॉ अ मार्जिन पेपर पे यहाँ पे आप लिखोगे आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स ठीक है क्वेश्चन रेडिकल व्यू ऑफ सोसाइटी एंड लैक्ट अ प्रेगमैटिक आउटलुक ठीक है तो रेडिकल व्यूज ऑफ सोसाइटी रेडिकल व्यूज ऑफ कार्लमार्क्स लिख लोगे यहां से आप लिखोगे बट दे लैक्ट अ आप साथ साथ चाहो तो इस क्वेश्चन के नोट्स भी बना सकते हो एंड एक्सक्यूज माय बैड हैंड राइटिंग प्लीज इसीलिए मैं साथ साथ ये वर्ड्स पढ़ रही आउटलुक ठीक है बट यू यू हैव टू कीप दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि यू हैव टू राइट दिस इन रेफरेंस टू द कम्युनिज्म तो आपको कम्युनिज्म का बार बार यहाँ पे जिक्र करना है कैसे वो जो रेडिकल आइडिया था कार्ल मार्क्स का दैट डिड नॉट फिट वेल विद द कम्युनिस्ट सोसाइटी ठीक है तो क्यों था रेडिकल कार्ल मार्क्स का जो भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी एंड पुट फॉरवर्ड की थी क्योंकि जो बेसिक उनकी बात थी दे ही ऑलवेज अबाउट क्लास स्ट्रगल तो हम यहाँ पे थोड़ी चीजें लिखेंगे इन डिटेल आप अपने कंटेंट से फॉर्म कर सकते हो आई जस्ट टेल यू कि आपको हर point, आपको हर पॉइंट पॉइंट कौन कौन सा टच करना है कार्ल मार्क्स एज अ बेसिस ऑफ सोसाइटी सॉरी क्लास स्ट्रगल एज अ बेसिस ऑफ सोसाइटी तो उन्होंने क्या कहा सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होगा किनके बीच में होगा क्लास स्ट्रगल आपके भरजॉ क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना इट व वेरी बैड इंप्रेशन तो ऐसे जैसे जो नाम है जिनकी स्पेलिंग थोड़ी आड़ी तिरछी जैसी है वो स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना प्रोले ियड ठीक है तो इन्होंने क्या कहा एक कॉन्फ्लिक्ट के, के बीच में इट फॉर्म एज सोसाइटी फॉर मार्क्स तो ये सोशल चेंज अ पॉलिटिकल चेंज ठीक है change, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या रेडिकल आइडियाज मार्क्स के थे फिर हम उनका क्रिटिसिज्म लिखेंगे इन द फॉर्म दैट इट लैक्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच ठीक है सेकेंड इन्होंने बात की रेवोल्यूशन की रेवोल्यूशन वुड अकर कब आपके कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में उसे क्या हो जाएगा ऑफ़ ऑफ़ कैपिटलिज्म दिस वेरी थर्ड ही अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉल ऑफ इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स जहा पे ये सारी चीजें हो रही हैं यू कैन डाउनलोड माई एप कर रेगुलर फाइव डेज अ वीक क्लासेस चलती है अनलेस की आपको कोई एक ऑफ देना पड़े Uh, ताकि आप आंसर जिनके भी लैग हो रहे हैं पीछे वो आंसर्स अपने कवर कर पाए इसलिए मैं बीच में कभी एक दिन क्लास नहीं लाती हूँ जस्ट टू गिव स्टूडेंट सम टाइम टू कवर अप द द लैग आंसर्स इफ दे आर लैगिंग बिहाइंड ठीक है अदरवाइज फाइव डेज अ वीक हमारी क्लास होती है एंड आप मैं आपको डेली होमवर्क वन और टू क्वेश्चन देती हूँ एंड सम स्टूडेंट्स आर इनएक्टिव सम आर एक्टिव तो आप मुझे मेल करते हो पीडीएफ फॉर्मेट में या व्हाट्सएप भी कर सकते हो फिर मैं उनको इवेट करके वापस दे देती हूँ जहाँ पे आई फील द नीड तो मैं कॉल करके भी स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि हाउ दे वेयर दे आर लैकिंग एंड हाउ दे कैन इंप्रूव ठीक है तो दिस ऑल यू यू विल गेट इन दिस कोर्स एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी फोर्थ वन इज कम्युनिज्म अ क्लासलेस सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी तो उन्होंने क्या कहा था अबॉलिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी फिर उन्होंने कहा कम्युनिज्मेट ए क्लासलेसाइटी सो दैट वॉज ऑल्स रेडिकल आइडिया फिफ्थ वन ही पुट फॉरवर्ड ही वॉज ए पिक क्रिटिक ऑफ रिलिजन क्रिटिक ऑफ रिलिजन ठीक है उन्होंने रिलिजन को क्या बोला ही कॉल्ड रिलिजन एज ओपियम ऑफ मास Opium of masses, which again was was very radical because he talking talking in a society when talking, uh, at a time when religion was very dear to people. ठीक है लोग जो थे वो रिलीजियस वैल्यूज को अडेयर करते थे एट दैट टाइम ही टोल्ड दम दैट नो रिलीजन जो है ये आपको प्रिपेयर करता है फॉर sufferings। रिलीजन जो है ये जस्टिफाई कर रहा है जो भी sufferings आप सह रहे हो ठीक है तो ये आपको बेसिकली नशा देता है कि हाँ यू आर ऑलवेज हाई कि हाँ ठीक है हम अभी सफर कर रहे हैं आफ्टर लाइफ में एंजॉय एंड ऑल दैट तो रिलीजन इन्फ्यूज करता है ऐसी सारी चीजें आपके माइंड में तो ही अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ रिलीजन ये भी एक रेडिकल व्यू था विच हेल्ड एंड यू कैन राइट की ही रिजेक्टेड नेशनलिज्म उन्होंने ये नेशनल सेंटिमेंट आइडियोलॉजी वगैरह उस चीज को रिजेक्ट किया ही इन फैक्ट लेट स्ट्रेस ऑन इंटरनेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म इन अ वे

जो मार्क्स कार्लमार्क्स लेबर क्लास का बोला था वो उतना हमने विटनेस नहीं किया है तो दिस वाज अगेन अ रेडिकल आइडिया जो लेबर क्लास है दे आर मोर कनेक्टेड एंड इन फैक्ट जो उनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था एंजल्स फेडरिक एंजल्स एंड मार्क्स का तो उसका टाइटल क्या था उसका टाइटल ही था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यू नाइट ठीक है उसका टाइटल ही था विच ऑल्सो पॉइंट द फैक्ट की टॉक मोर अबाउट इंटरनेशनलिज्म तो ये कंटेंट वाई आई टेल्यू टू मेक शॉर्ट नोट ऑफ दिस क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ जाए पर कई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर अभी कोट भी यूज कर लो इनके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का टाइटल था एंजल्स एंड मार्क्स के एंड मार्क्स का ठीक है तो आप बोल सकते हो uh, कि जो कार्ल मार्क्स है सोसाइटी तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोलना है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि रेडिकल आइडियाज थे बट दे लैक्ड अ प्रिगमेटिक आउटलुक क्यों क्योंकि हमने देखा कम्युनिज्म जिस जिस कंट्री में है वहां पे इट डिड नॉट टेक ऑफ वेरी वेल द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स वो कैसे वो हम यहाँ पे लिखते हैं तो पहले पॉइंट का हम देखते हैं हाउ इट द आउटलुक तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है आपके वर्जन प्रॉलिटेरियस के बीच में एंड इट वाज रिलेटेड टू योर यकोनॉमी ठीक है तो बेसिकली जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है क्लास स्ट्रगल है वो क्यों था वो इकोनॉमी की वजह से ही था लेकिन हमने बाद में कम्युनिस्ट नेशंस में देखा जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट था क्लास कॉन्फ्लिक्ट इट स्टिल परसिस्टेड ठीक है एंड जो अथॉरिटेटिव कंट्रोल होता है अथॉरिटीज का जहाँ पे इंडिविजुअल्स की कोई से नहीं होती दैट कंटिन्यूड इन दी कम्युनिस्ट रजीम एस वेल आपकी कम्युनिस्ट ऑफिशल कम्युनिस्ट पार्टीज ऐसी आई ऐसी इमर्ज हुई जिन्होंने लोगों का अगेन जीना हराम कर दिया था एंड जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें थी इट नेवर स्टॉप्ड तो वो चीज आप इसके यहाँ पे ऑपोजिट में ऐसे मार्जिन ड्रॉ करके लिख सकते हो सेकेंड वन इज रेवल्यूशन एंड ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म तो हमने ओवर थ्रो ऑफ कैपिटलिज्म विटनेस नहीं किया नहीं हुआ. जो था हमेशा ही फ्लरिश किया एंड इनफैक्ट जो रेवोल्यूशन की बातें हुई थी ये जो थे इट वर विटनेस्ड मोर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल हमने रशियन रेवोल्यूशन देखा नाइनटीन सेवनटीन का तो यू कैन टेक सम नॉलेज फ्रॉम जनरल स्टडीज ऑल्सो यहाँ पे वो रेवोल्यूशन के नाम लिख सकते हो बिकॉज दे आर रिलेटेड टू यारोशोलॉजी या चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 का या सिविल वॉर जो रशियन जो आपके इन कम्युनिस्ट नेशंस में हुई ह्यूमन सफ़रिंग्स। नॉट मच या ह्यूमन सफ़रिंग्स सफरिंग ठीक है तो यहाँ पे राइट फ्यू पॉइंट्स अगर आपने ये सारी चीजें आप जीएस में भी पढ़ोगे तो वहां से भी आप ये सारी चीजें थोड़ा बहुत लिख सकते हो तो ये हो गया आपका देखो अगर ऐसे आप आंसर करोगे ना एग्जामिनर के पास कोई चांस ही नहीं होगा आपके मार्क्स डिडक्ट करने का बिकॉज यूर राइटिंग वट यूर बींगर फ्रेमिंग योर आंसर लाइक दैट ठीक है तो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो इट वॉज ऑल्सो नॉट फ्रेगमेटिक एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की एबॉलिशन से कुछ अच्छा काम नहीं हुआ एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे सोवियत यूनियन हो गया ठीक है अब लिख लो ताकि एग्जामिनर को पता रहे जो क्वेश्चन ने पूछा है आप वो अच्छे से समझ गए हो हो या क्यूबा हो या क्यूबा गया चाइना मेजम ठीक है कि आप, आपके आप प्राइवेट प्रॉपर्टी की एबोलिशन की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा इनसफिशिएंसी रही ठीक है आपकी एग्रीकल्चर सही से नहीं चला आपका प्रोडक्शन सही से नहीं हुई इंडस्ट्रीज डिड नॉट टेक ऑफ वेल क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी इन गवर्नमेंट का हमें पता है सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है ना तो ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट एंड इन सारी चीजों पे ग्रोथ इंडस्ट्रीज वगैरह उस पर ध्यान अपना नहीं दे पाती है तो इन वी विटनेस्ड इनसफिशियंसी इन प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री तो ये जो ऑफ़ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली बात इन्होंने कही थी मार्क्स दैट वाज़ आल्सो नॉट इन इट्स अप्रोच तो कम्युनिज्म ए क्लासलेस सोसाइटी तो ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि जो कम्युनिस्ट रजीम है ऑल्दो अब शायद जो कॉन्फ्लिक्ट है या क्लासेस जो है वो शायद इकोनमी पे नहीं किसी और चीज पे बेस्ड हो पावर डिफरेंशियल्स पे पावर डिफरेंशियल्स ठीक है

तो क्रिटिक ऑफ रिलीजन एज दी ओपियम ऑफ मास्टर्स दिस अगेन वाज अ वेरी रेडिकल थिंग क्योंकि मैंने आपको बोला ये उस टाइम की बात है जब रिलीजन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था तो ये भी अगेन एक रेडिकल आइडिया था सोवियत यूनियन ने प्रैक्टिस किया था एलिमिनेट करने के लिए रिलीजन को सोवियत यूनियन एफर्ट टू eliminate religion met was met with स्ट्रॉग अपोजिशन ठीक है तो ये आइडिया भी प्रेगमेटिक नहीं था बिकॉज लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड वर वर सिविल वॉर्स ड्यू टू मेनी बिकॉज ऑफ दिस ठीक है तो एंडमैटिक वही हुआ जो आपका आइडिया अगर दैट वो प्रैक्टिकल है लोगों के लोग उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं लेकिन कम्युनिज्म में हमने यही ये, ये, ये नहीं देखा कहीं पे भी कि लोग उसको सही से अप्लाई कर पाए जैसे वो जो प्रम्पाउंडर थे इस आइडियोलॉजी के जैसा कि वो चाहते थे उसी वजह से हमने फॉल ऑफ यूएसएसआर देखा वो नहीं रह पाए वो डिक्टेटरशिप एक ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं नहीं रही दैट मीनस इकोनॉमिकली भी लोगों ने प्रॉस्पर नहीं किया क्लास सिस्टम अब चलो इकोनॉमी पे अगर बेस्ड नहीं था क्लास सिस्टम पावर अथॉरिटी पे बेस्ड होने लगा तो कहीं से भी ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल नहीं रही रिजेक्शन ऑफ नेशनलिज्म ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थे जितने भी हुए थे देवर मोर दे हैड दिस नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एट द कोर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मेनी कम्युनिस्ट रेवल्यूशन्स वैशनलिस्ट एट द कोर स्पेशली जो चाइना या वियतनाम वगैरह में हुआ ठीक है और रिलीजन में यू कैन एड मोर पॉइंट कि हिज व्यूज वर नॉट बिकॉज द ट्रेडिशनल वैल्यूज ठीक है लाइक योर रिलीजन एंड ऑल ठीक है आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं दे वर डीपली इनग्रेन्ड इन द सोसाइटी इन दोनों पॉइंट्स के लिए फिट बैठता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज को चैलेंज किया गया लाइक योर नेशनलिज्म एंड रिलीजन विच वर डीपली इनग्रेन्ड इन सोसाइटी डीपली इनग्रेन तो लोगों को रिवोल्ट इस बात पे रिएक्ट करना ही था तो दिस विल फॉर्म द बॉडी ऑफ योर आंसर

थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट लिख लोगे कि जो क्लास एक्सट्रीम क्लास कॉन्फ्लिक्ट जा रहा था एंड जो एक्सप्लोइटेशन हो रही थी वर्कर्स की ही टॉक अबाउट देम उसके बारे में बात उठी एंड देन फिर इंडिया के एग्जांपल भी लिख सकते हो कि जो लेबर लॉज वगैरह लाए वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी वहां से डिराइव की गई थी एंड ओवरऑल हमें सोशोलॉजी या सोसाइटी को समझने के लिए कॉम्प्रेहेंसिव आउटलुक जो है मार्क्स ने दिया यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर ऑन ए पॉजिटिव नोट अबाउट मार्क्स क्योंकि ऊपर हमने काफी ऑलरेडी बुराई कर ली है तो दिस विल फॉर्म अ वेरी गुड आंसर अगर आप ऐसे करके इनको स्ट्रक्चर करोगे

conception of historical materialism as a critique of hegelian dialectics ठीक है तो आपको क्या करना है इसमें आपको बोलना है जो मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का हाउ दैट वाज अ क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक्स अगेन आप इस क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए जैसे मैंने कहा पहले इंट्रोडक्शन बनाओगे डायलेक्टिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे वो क्या होता है ये हमने पिछले सेशन से में डिस्कस किया है मैंने आपको पढ़ाया भी है उसके बाद कुछ यहाँ पे आप पॉइंट लिख लोगे ही इसके डायलेक्टिक्स के कि ही डायलेक्टिक्स क्या था ही डायलेक्टिक्स एंड उन्ही पॉइंट्स पे आप क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखोगे कि हाउ इट वाज़ द क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज डायलेक्टिक्स ठीक है अगर आप चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखोगे उन चार का आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिख लोगे तो ये आपका आंसर अच्छे से फॉर्म करेगा तो थोड़ा पहले मैं आपको डायलेक्टिक्स के बारे में एक बार रिवाइज करवाती हूँ हीगल इन डायलैक्टिक्स बेसिकली क्या था इन्होंने कहा था कोई भी अगर आइडिया होगा ठीक है वो आइडिया कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है उसमें चेंज डेवलप हो जाती है डेवलपमेंट हो जाती है ठीक है और आपके पास उन्होंने बेसिकली आपको तीन टर्म्स दिए थे एक था थीसिस एंटी थीसिस एंड लास्ट वन इज योर सिंथेसिस तो उन्होंने कहा था ये जो सोशल चेंज होती है बेसिकली थ्रू कॉन्ट्रोडिक्शन एंड रेजोल्यूशन होती है अगर आपके पास कोई एक आइडिया है या कोई भी एक कॉन्सेप्ट है कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन योर आइडियोलॉजी हीगल ने हमें डायलेक्टिक आइडियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया था डायलेक्टिक आइडियलिज्म मार्क्स ने डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया लेकिन ही ड्रॉप दिस आइडियलिज्म उन्होंने बात की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और इस डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म को ही चेंज इन टू हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट और ये जो मटीरियल uh, का आइडिया था ये इन्होंने किससे लिया था से तो fear, उन्होंने डायलेक्टिक हीगल uh, का एंड फ्योर बैच का मटीरियलिज्म uh, मिला के उन्होंने क्या किया था अपना हिस्टोरिकल वाला कॉन्सेप्ट पहले पुट फॉरवर्ड किया था ठीक है तो बेसिकली है क्या ये थीसिस सिंथेसिस मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए कैसे आइडियोलॉजी से ये चीजें होती हैं या कैसे मटेरियल से चीजें होती हैं आप इमेजिन करो कि किनिंग सम इंस्ट्रूमेंट ठीक है आप गिटार सीख रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सिंपल गिटार की प्रैक्टिस करोगे दैट इज इनफ टू मेक सिंपल सॉन्ग क्या गिटार छोड़ लो डोंट बी टू स्पेसिफिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करोगे it will help you to make simple songs, simple songs. फिर यह आपकी ideology है ठीक है With time you will realize की नहीं uh, मुझे थोड़ा और बेटर करना है एंड सिंपल सॉन्ग्स के लिए भी सिंपल सॉन्ग्स पे बेटर करने के लिए आई नीड सम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको सिर्फ एक किसी हद तक ले सकते हैं तो यहाँ पे आइडियाज में कॉन्ट्रोडिक्शन डेवलप हुई पहले आपको लगता था इंस्ट्रूमेंट थोड़े बहुत प्रैक्टिस करूंगा आई कैन मेक सिंपल वो आपने किया कुछ महीनों तक उसके बाद यू फेल्ट नो आई नीड मोर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक मोर गुड सॉन्ग्स एंड टू एनहेंस अपॉन द सॉन्ग्स सॉन्ग एम ऑलरेडी डूइंग तो आपकी आइडियोलॉजी चेंज हुई यू स्विच टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स फिर सिंथेसिस हुआ यू विल रियलाइज फाइनली कि यू हैव टू कंबाइन द टू प्रैक्टिसेस कि आपको सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स

डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के टर्म्स में तो हाउ विड कि हाँ ठीक है अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं चाहिए सिंपल सॉन्ग्स के लिए यू विल नीड मनी फॉर दिस ठीक है फिर यू नीड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक मोर सॉन्ग्स उसके लिए यू नीड मोर मनी तो सिंथेसिस क्या होगा यू विल स्टार्ट सेविंग यू हैव टू स्टर्निंग टू गेट ऑल दो इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टार्ट प्ले तो आप देख रहे हो हीगल ने आइडियाज की बात की कालमार्क से कहा ठीक है डायलिटिक्स एंड ऑल इज फाइन बट इट्स नॉट द आइडिया जो आपको पुष्ट करेगा इट इज द इकोनमी अगर आप सोचो

एंड जब मेरे पास पैसे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए तो ही आई कैन रिकॉर्ड अ बेटर लेक्चर तो आई हैव टू वर्क फर्स्ट

तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम उनको समझ में नहीं आ रहा था मटेरियलिज्म मटीरियलिज्म हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म अदरवाइज ये टाइप का क्वेश्चन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो आपको कैसे अप्रोच करोगे आप जैसे मैंने आपको कहा कि यहां से आप लिख सकते होगल

ठीक है तो ये आपके नितिन सर के बुक पे भी लिखा हुआ है वहां से भी आप कंटेंट थोड़ा देख सकते हो या यह यहाँ से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एंड मार्क्स ने मटेरियलिज्म में क्या कहा था क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी कि जो चेंजेस है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आएंगे ना कि किसी वॉर की वजह से अब हमें हीगल को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना तो हमने इनमें क्या ये आइडियोलॉजी थी इनकी वॉर अमंग द नेशंस की तो इफ यू वॉन्टेड आई कैन मेक अ लेक्चर ऑन इट सेपरेट बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा वो आपको वो कंटेंट आपको नितिन सर की बुक पे नहीं मिलेगा उसके लिए आप क्या करोगे यू विल मेक योर ओन नोट्स ठीक है फाइनल आउटकम ईगल ने क्या कहा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का क्या होगा सुपर विल बी डिसाइड अमंग द नेशंस सुपर अमंग द नेशंस एंड जो मार्क्स का मटेरियलिज्म है वो क्या होगा दैट विल बी अ क्लासलेस सोसाइटी तो इन्होंने सुपर मेसी अमंग द नेशंस की बात नहीं करी इन्होंने कहा फाइनली क्या हो जाएगा कि जो क्लासेस हैं ये सिलसिला ही खत्म हो जाएगा एंड वी विल हैव क्लासलेस इगालिटेरियन सोसाइटी ठीक है फिर आप लिख सकते हो कि उन्होंने कैसे मार्क्स ने मटीरियलिज्म को जो है डायलेक्टिक्स को आपके आइडियलिज्म को मटीरियलिज्म के साथ मिलाया ही रिप्लेस्ड देन लेटर यू डायलेक्टिकल विद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑल्सो इससे भी आप अपना आंसर जो है वो एंड कर सकते हो या यू कैन फॉर्म अ इंट्रोडक्शन यूज इन दीज की वर्ड ठीक है तो ये आपको हेल्प करेगा ये सारा क्वेश्चन फॉर्म करने में तो आप मुझे होमवर्क लिख के भेजोगे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन या एटलीस्ट वन ऑफ द टू जो है आप मुझे इसका आंसर लिखे भेज दोगे ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप बाद में कंक्लूड करोगे कंक्लूजन में आप मार्क्स की थोड़ी तारीफे करोगे तो कि उन्होंने कैसे फोकस किया मटेरियल एनालिसिस पे ही फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक एनालिसिस प्लस डायलेक्टिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल और उससे हमें एक प्योर कॉन्सेप्ट दिया हिस्टोरिकल मटीरियल का विच एनहैंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द सोसाइटी वॉज बिल्ड ठीक है या हाउ दिस मटीरियल थिंग इन द सोसाइटी ऑल ठीक है तो ऐसे करके वी विल राइट एन आंसर एंड सेंड इट टू मी तो जहां पे मुझे लगेगा आई राइट ऑन आंसर्स ठीक है तो दैट विल हेल्प यू इससे क्या होगा जैसे मैंने आपको कहा घुमा फिरा के नेक्स्ट ईयर यही सारे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे मेरी स्टूडेंट्स जो हैं Uh, मेरे पेड स्टूडेंट्स ऑब्वियसली पेड स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके आंसर्स में इवेलुएट करूंगी दे कैन व्हाट्सएप मी द पीडीएफ वर्जन एट सेवन जीरो जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव दिस इज माय नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी द इन पीडीएफ फॉर्मेट और यू कैन मेल मी एट करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो होपफुली हमारे जो थिंकर्स हैं उसमें से थिंकर विल टेक अप मैक्स वेबर तो काफी अच्छे थिंकर मैक्स वेबर के भी उनके भी काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके बाद आई गेस हमारे कौन से बचते हैं पार्सन मोर्टर एंड मीड लास्ट के तीन थिंकर्स तो थिंकर्स जो है आपका जो मेजोरिटी ऑफ द पेपर है वो थिंकर्स के साथ ही ओवर हो जाता है उसके बाद हमारे डिफरेंट फिफ्थ चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे सेपरेट कॉन्सेप्ट से तो फिफ्थ टू टेंथ चैप्टर्स हमें फिर ज्यादा टाइम कवर करने में नहीं लगता है जो मेरे लेक्चर्स रह गए हैं यूट्यूब पे पेपर बी के वो बिल भी मैं कंप्लीट करूंगी जिस करवाऊंगी जिस गिव मी समाइम आई एम रेली बिजी दीज डेज बट आई एम ट्राइंग मैं YouTube भी कंटिन्यू करूँ अपने पेड क्लासेस के साथ लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम आई क्लासेस तो आप जरूर ये कोर्स ज्वाइन करो ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से एंड वहां से यू कैन परचेज दिस कोर्स तो कोई भी क्वेरी हो यू कैन व्हाट्सएप मी ठीक है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे